देखिए आप इतने उतार के मुताबिक हो रहे हो। भविष्य में बीजेपी ग्रहण करने की संभावना है नहीं है? सहयोगी हूँ चंद्रनाथ सिंधु जी क्या उनसे पूछ सकते कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस की को दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार हमारे पार्टी हमारा जो अलायंस बीजेपी है इसमें जिस जगह काम करना है जो भी उनके निर्देश होंगे जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का एसओजी का एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मैंने खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद में तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने यह फैसला किया हमारी पार्टी ने मेरे समर्थकों ने कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करें। पच्चीस सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालौर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष गहलोत साथियों मेरे ऊपर विशेष कृपा थी तो वो मेरे वहां बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर पार्टी को उन्होंने गोद लिया जो जो किया तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालौर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। आप अभी अभी वहां पर यात्रा निकाल रहे थे झुंझुनू में तो जो आपकी और शुक्र चौक के बीच की जो खटास है क्या दूर हो जाएगी? हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं हमने और यात्रा करी हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है यात्रा को भी हमारा चलता रहता है। तो क्या शुक्र चौक की बात से भी किसी प्रकार का खतरा नहीं? नहीं ये तो आप लोग तो नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके अंदर ये बातें सर देखिए सरकार लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच हो रही नोटिस गए हैं वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लगी उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। 100% जब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है गृह मंत्री ने कहा है मैंने कहा है सारे लोगों ने कहा एकनाथ खड़गे साहब ने कहा है इसमें जो चीजें वो आ रही है आपको जब विधानसभा में मैं उसको टेबल करना चाह रहा था मतलब टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी आपको? आपको सरकार
देखिए इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो जो लोग है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने जो भी किया उनको किए तो उन्होंने क्या उसे सजा मिली। कांग्रेस सलट गई उससे, देखिए उससे कांग्रेस सलट गई। देखिए कई छोटी मोटी कोई बात होगी मिल बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। देखिए सर विरोध प्रदर्शन तो काफी जगह पर राजपूत समाज का, रैलियां भी निकल रही है देश भर के अलग अलग। देखिए जहाँ भी कोई बात होगी किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुन के उनका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है, कहेंगे उसमें। आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि शुभकर चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप उनके बीच में जो प्रतिनिधित्व होता है वो गया और आप उनके लिए खुद वोट मांगने घूमोगे। हम पूरे अब ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो सब दुनिया देखिए पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। जिस लेवल पर ये फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। देखिए आप इतने उतावले उतावले क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आई, नहीं मैं राजस्थान भी करूँगा, बाहर राजस्थान के बाहर भी गए और वहां भी करूंगा, अभी गुजरात के लिए गए वहां भी। थोड़ा जी मेरा ये सवाल था, पहले आप गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर शिंदे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को। मेरी बात तो सुनो सर, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य और लाल डायरी रिलीज नहीं करी दो चार पन्ने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का जिक्र हो जाता है और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रख के और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने है और जो कुछ हुआ कोई भ्रष्टाचार की बात है उस मामले के अंदर सीधा सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे सीधे आरोप लगे थे और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में आज देश के हित में और वर्तमान के अंदर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व तो नहीं हो सकता और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती है। दो बार गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, जो बार बार शेखावट जी मेरी विधानसभा में बार बार आए थे वो तो फिर होगा ऐसा ही कुछ नहीं है। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा मुझे कहा गया कि मैं वहां वहां जाऊंगा। तो क्या बीजेपी में आपको ज्वाइनिंग कोई आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज से वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए देखिए ऐसी कोई बात है, अभी जो हम बैठे हैं हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है और इसके उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपकी? इस मामले के अंदर आप इसका जवाब हां में दे रहे हो।
क्या कुछ चाहते थे? बीजेपी है सहयोगी हूँ चंद्रदास सिंधु जी क्या उनसे पूछ सकते।